ब्रॉडकास्ट है और इस ब्रॉडकास्ट में अभी हम बात करने जा रहे हैं पटन नॉर्थ कश्मीर के पटन एरिया की, जहां पर एक रेप किडनैपिंग का इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुआ है। ये वाकया जो है नॉर्थ कश्मीर के पटन एरिया में हुआ है और इस केस के हवाले से एक FIR भी लॉन्च हुई है पुलिस स्टेशन पटन में। मैं आपको बता दूं, ये वाकया जो है पुलिस के मुताबिक, जब हमने बात की पुलिस से इस वाकये के हवाले से, तो पुलिस के मुताबिक, पटन पुलिस के मुताबिक 19 तारीख को एक माइनर लड़की है खेलने के लिए बाहर जाती है अराउंड रेलवे के आसपास, ये एरिया है पटन एरिया में। ये कहना है पुलिस का कि उनके पास अभी कंप्लेंट आई, उस कंप्लेंट के बुनियाद पर हम जो ये बयान आपके सामने कर रहे हैं कि 19 तारीख को एक बच्ची जो है घर के बाहर खेलने के लिए जाती है। बताया ये जाता है कि ऑलमोस्ट वो 9वीं क्लास की बच्ची है, माइनर है, वो खेलने के लिए जाती है और उस दौरान 3 शख्स जो है उसी इलाके के वो उसे अप्रोच करते हैं और उसे अप्रोच करने के बाद उसे अपने साथ लेके जाते हैं और जब उसे अपने साथ वो लेके जाते हैं उसको वो एस्कॉर्ट कर अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं और फिर श्रीनगर लेके जाते हैं और श्रीनगर पुलिस के मुताबिक उसे उस लड़की को श्रीनगर लिया जाता है और टर्न बाय टर्न एज पर जो पुलिस का ये कहना है कि जो विक्टिम है उसका ये कहना है कि टर्न बाय टर्न उस लड़की के साथ इन तीनों लड़कों ने जो है अलेजेड ये किया है कि उन्होंने उसके साथ रेप किया। जी हाँ, ये वाकया जो है नॉर्थ कश्मीर के पटन एरिया का है और उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि जब 20 तारीख को उनको एक कंप्लेंट मिली, मिसिंग रिपोर्ट की कंप्लेंट मिली और उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पे जो है एक्शन लिया। SHO पुलिस स्टेशन पटन का ये कहना फौरी तौर पे उन्होंने कार्रवाई की और उसी दिन उन्होंने उस लड़की को रिकवर किया और सब्सिक्वेंटली उसके कहने के पर जब उसने ओडील अपना बयान किया कि वो किन मरहलों से गुजरी जब उसे किडनैप किया गया और उसके बाद उसका टर्न बाय टर्न जो है उसका अलेजेडली रेप किया गया, उसके बाद उसे पुलिस ने जो उन तीन लोगों की निशानदेही की उन तीन लोगों को 20 तारीख को ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई और वो तीनों शख्स जो है ये बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक तीनों जो है अडल्ट है, माइनर नहीं है, 20 से ज्यादा उनकी उम्र बताई गई है और उसके बाद पुलिस ने इन तीनों शख्सों को जो इस क्राइम में अलेजेड क्राइम में मुलविस थे और उन तीनों को जो है हिरासत में लिया और जो व्हीकल जो इस ऑफेंस में इस्तेमाल की, इस क्राइम में इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। उसके बाद पुलिस का ये कहना था कि जब मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल के लिए उस लड़की को लिया गया तो मेडिकल रिपोर्ट से भी एस्टैब्लिश हुआ कि उस लड़की का जो है रेप हुआ। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट भी लिया गया और पुलिस के मुताबिक ये सारी कार्रवाई जो है 20 तारीख को ही हुई और 21 तारीख को उसने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया। वाजिया रहे ये वाकया जो है पुलिस के मुताबिक 19 तारीख को ये लड़की घर से बाहर निकलती है, उसके बाद तीन शख्स उसी इलाके के तीन लड़के जो है उसे अप्रोच करते हैं, उसके बाद उसका किडनैप करके उसका रेप करते हैं और उसके बाद उन्हें 20 तारीख को पुलिस के पास कंप्लेंट आती है और 20 तारीख को ही पुलिस तीनों एक्यूज्ड जो होते हैं जो इस हेनियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उनको तीनों को जो है अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो क्राइम इस ऑफेंस में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई उसको भी जो है जब्त किया जाता है। एज ऑफ नाउ पुलिस ने कहा कि इस मामले को लेकर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है और जो लड़की है वो बिल्कुल इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ है और जो तीनों अक्यूज्ड है वो तीनों इस टाइम पे पुलिस कस्टडी में है।